आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक सदाबहार अभिनेता शम्मी कपूर के बारे में और उनकी बेटी कंचन कपूर की शादी की खूबसूरत तस्वीरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शम्मी कपूर को भला कौन नहीं जानता, जिनका पूरा नाम शमशेर राज कपूर था। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था। वे हिंदी सिनेमा के एक सबसे बड़े सुपरस्टार अभिनेता थे और उनके फैंस उन्हें एंटरटेनमेंट के बादशाह के रूप में जानते थे। शम्मी कपूर ने 1950 के दशक में फिल्मों में कदम रखा था और जल्द ही अपने अलग अंदाज और अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनकी डांस और उनका करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। शम्मी कपूर का परिवार भी बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे और उनके भाई राज कपूर और शशि कपूर भी फिल्मों में एक बड़ा नाम थे। शम्मी कपूर की शादी 1955 में गीता बाली से हुई थी, जो खुद भी एक सफल अभिनेत्री थी। लेकिन दुखद रूप से गीता बाली की 1965 में चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। बाद में शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी की, जो कि महारानी गायत्री देवी की रिश्तेदार थी। अब बात करते हैं शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर के बारे में। शम्मी कपूर और गीता बाली की दो संतान थी, आदित्य राज कपूर और कंचन कपूर। कंचन कपूर ने फिल्मों से दूरी रहना पसंद किया और अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी। कंचन की शादी 1980 के दशक में डॉक्टर के सी पांडे से हुई थी, जो कि एक जाने माने डॉक्टर थे। कंचन और डॉक्टर पांडे की शादी में बॉलीवुड के कई जाने माने सितारों ने हिस्सा लिया था और यह शादी उस समय की एक बड़ी खबर बनी थी। आज हम आपके साथ कंचन कपूर की शादी की कुछ दुर्लभ और खूबसूरत तस्वीरें साझा करेंगे। इन तस्वीरों में शम्मी कपूर, उनके परिवार के सदस्य और बॉलीवुड के अन्य सेलिब्रिटीज नजर आएंगे। इन तस्वीरों को देखते और जानते हैं कि उस समय की यह शादी कितनी भव्य और यादगार थी। शादी का मंडप, इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि शादी का मंडप बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। पारंपरिक रंग और फूलों की सजावट ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। शम्मी कपूर और कंचन कपूर, इस तस्वीर में शम्मी कपूर और अपनी बेटी कंचन के साथ नजर आ रहे हैं। शम्मी कपूर का चेहरा खुशी से चमक रहा है और वह अपनी बेटी के साथ हाथ में हाथ डालकर मंडप की ओर ले जा रहे हैं। पारिवारिक तस्वीर की बात करें, इस तस्वीर में शम्मी कपूर, नीला देवी, आदित्य राज कपूर और कंचन कपूर अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खड़े हुए हैं। यह तस्वीर परिवार के बीच के मजबूत बंधन को दर्शाती है। बॉलीवुड सितारों की उपस्थिति, इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि राज कपूर, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारे शादी में मौजूद थे। यह सभी सितारे शम्मी कपूर के बहुत करीबी मित्र थे और उन्होंने इस खास मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कंचन की विदाई की बात करें, इस तस्वीर में कंचन कपूर की विदाई का दृश्य है, जिसमें शम्मी कपूर अपनी बेटी को विदा करते हुए नजर आ रहे हैं। यह एक भावुक क्षण था और इस तस्वीर में वह भावनाएं साफ साफ झलक रही थी। शम्मी कपूर का अंतिम समय, शम्मी कपूर ने बॉलीवुड में अपनी अदाकारी से जो मुकाम हासिल किया, वह आज भी याद किया जा सकता है। उनका अंतिम समय भी उतना ही खास था जितना कि उनकी जिंदगी। 14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर का निधन हुआ, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ के गए जो हमेशा जीवित रहेगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी शम्मी कपूर और उनकी बेटी कंचन कपूर की शादी की। यह शादी ना केवल एक पारिवारिक उत्सव थी, बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारों का एक मिलन भी था। शम्मी कपूर का परिवार आज भी उनकी यादों को संजोए हुए है।
और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें। आपके सहयोग से हम ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।